देश की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जून को करेंगे। इस वक्त हम उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मौजूद हैं जहां रोबोट बनाए जा रहे हैं और बड़े लेवल पर यहां हर साल 50,000 से ज़्यादा रोबोट तैयार किए जाएंगे और यहां से भारत के साथ साथ इनके दूसरे देशों में भी भेजा जाएगा। सीएम यहां 25 जून को आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे इस यूनिट का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के सीनियर मैनेजर वेदांत मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। वेदांत, अगर सबसे पहले तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, सीएम यहां आने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम बहुत अच्छी तैयारियों के साथ में और बहुत अच्छे जोश के साथ में हम तैयारियों पे लगे हुए हैं और 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली जो है इनॉग्रेशन। अच्छा, ये जो आपकी एक टैगलाइन है ह्यूमन रोबोट पॉसिबिलिटीज़, इसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर, ह्यूमन रोबोट पॉसिबिलिटीज़ जो है हमारा एक टैगलाइन है, ठीक है, और एडवर्ब जो है इस देश की सबसे बड़ी रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और मैं अगर बात करूँ इस देश के अगर उत्पादन की, तो डेफिनेटली 50,000 रोबोट सालाना इस एडवो कंपनी की जो है कैपेसिटी है। अच्छा, किस टाइप के रोबोट हैं और इनका काम किस तरह से होता है इनका? जी, हमारे पास में बहुत विभिन्न प्रकार के रोबोट हैं। देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, लाइक अगर बात करें हमारे पास ASRS एरियाज के लिए रोबोट हैं, हमारे पास में ZIPI है, हमारे पास में AMRs हैं, तो देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट। सो हम सॉल्यूशन बेस्ड प्रोवाइड करवाते हैं, जिस हिसाब से क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उनके लिए रोबोट बनाते हैं। वेदांत, अगर इसके बारे में कुछ समझा जाए, ये जो आप लोगों ने एयर स्पेस का सिस्टम बनाया हुआ है, क्या अगर कोई क्लाइंट आपसे इसको लेना चाहता है तो आप लोग इंस्टॉल भी खुद करते हैं और इसकी वर्किंग किस तरह से होती जी है? बेसिकली तो ये एक ASRS सिस्टम है, दिस इज़ ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। सो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हवे में स्टोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो स्पेस है वो एक कम स्पेस में एक बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने काफ़ी हाई लेवल पे इसको स्टोर किया हुआ है। और ये कमांड बेस्ड सिस्टम है, टोटली ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं। आप देख ही रहे हैं सारा रोबोट कैसे अपने आप जा रहा है, ले जा रहा है सारी चीज़ें, तो ये बेसिकली मेक इन इंडिया के ऊपर में ये पूरा सर बना हुआ है। और डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि हम इसी तरीके से भारत के विकास के लिए, यूपी के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या रोज़गार के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये क्या यूपी के लिए, खासकर नोएडा के लिए कितना ज़रूरी है और कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा? सर देखिए, अगर बात करें रोज़गार की, तो डेफिनेटली जैसा हम बता पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी लार्जेस्ट रोबोटिक्स फैक्ट्री है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोज़गार और आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं ये दोनों ही तौर पर ये यूपी को और भारत को ये आगे बढ़ाने पे ज़रूर मदद करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ कई तरह के रोबोट तैयार किए जाएंगे जो कि भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी भेजे जाएंगे। ख़ास बात यह है, करीब 15 एकड़ में फैला ये यूनिट है जो रोबोट तैयार करेगी और यहाँ रोज़गार के अवसर भी लोगों के लिए पैदा हो रहे हैं। 25 जून को यहाँ CM आएंगे और इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। हैदर अली, JK247 न्यूज़, नोएडा।